दोस्तों आज हम आप सभी को भारत के एक ऐसे अलौकिक जगह के बारे में जानकारी देंगे जहां सृष्टि की रचना के पहले ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी, जहां पर भगवान राम ने माता सीता का त्याग किया था, जहां पर लव कुश का जन्म हुआ था, जहां पर बालक ध्रुव ने तपस्या की थी, जहां पर वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी, यहीं पर भगवान राम द्वारा छोड़े गए अश्वमेध यज्ञ के घोड़ों को लव कुश ने पकड़ा था। यही वो जगह है जहां पर भगवान राम और लव कुश का युद्ध हुआ था। यहीं पर माता सीता की रसोई मौजूद है और आज भी रसोई का सारा सामान भी मौजूद है। यहीं पर स्वर्ग की सीढ़ियां मौजूद है और यही वो जगह है जहां से माता सीता पाताल गई थी। दोस्तों इतनी सारी घटनाओं का समावेश एक ही जगह पर होना कोई साधारण सी बात नहीं है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि ये जगह कौन सी है और आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं और क्या क्या देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अद्भुत टीवी ने यूट्यूब चैनल में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। भारत के कानपुर शहर में पवित्रों में पवित्रम एक स्थान है जिसे बिट्ठूर कहा जाता है। यही वो स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के पूर्व यहाँ पर तपस्या की थी। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार यही वो जगह है जहाँ बालक ध्रुव ने भगवान विष्णु की तपस्या की थी। बिट्ठू महर्षि वाल्मीकि जी की तपोभूमि थी और यहीं पर उन्होंने रामायण की रचना की थी। मंदिर के पुजारी के अनुसार आज से करीबन 8 लाख साल पहले माता सीता बिट्ठूर आई थी और यहीं पर लव कुश का जन्म भी हुआ था। लव कुश ने इसी स्थान पर महर्षि वाल्मीकि जी से शिक्षा भी प्राप्त की थी। वही भगवान राम जानकी मंदिर में लव कुश के बाण आज भी रखे हुए हैं। गंगा नदी के किनारे पर बसे इस स्थान पर एक और सीता रसोई भी बनी हुई है। यहीं पर सीता जी भोजन बनाती थी। दोस्तों आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि उस समय उपयोग किए गए बर्तन और पानी वाला कुआं जिसका उपयोग माता सीता किया करती थी वो आज भी यहाँ पर मौजूद है। प्राचीन समय के इस कुएं का पानी आज भी नहीं सूखा है। पुजारी के अनुसार लव कुश यहीं पर माँ गंगा में स्नान किया करते थे और यहीं पर बाण चलाना और घुड़सवारी आदि भी सीखी थी। इसके अलावा लव कुश जिस पेड़ के नीचे शिक्षा लिया करते थे वो आज भी यहाँ पर मौजूद है। भगवान राम ने जब अश्वमेध यज्ञ करवाया था तो कोई भी राजा उस समय उनके घोड़ों को पकड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया था। वाल्मीकि रामायण में ये उल्लेख है कि जब वो घोड़ा बिट्ठूर पहुंचा तो लव कुश ने उसे बांध लिया था। इसके बाद राम भक्त हनुमान यहाँ पर घोड़ा चुराने के लिए आए थे। लव कुश से उनका युद्ध यहीं पर हुआ था और वे परास्त हो गए थे और उन्हें यहीं पर बंधक बना लिया गया था। आज भी यहाँ पर वो स्थल बना हुआ है जहाँ पर हनुमान जी को कैद किया गया था। इसके बाद घोड़ों को चुराने पहुंचे लक्ष्मण जी को भी यहाँ पर बंधक बना लिया गया था। हनुमान जी और लक्ष्मण जी की कोई खबर ना मिलने पर भगवान राम स्वयं युद्ध के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। युद्ध के बीच में ही उन्हें पता चला कि जिन लव कुश से वे युद्ध कर रहे हैं वे उनके पुत्र हैं। इसके बाद माता सीता से राम जी की मुलाकात यहीं पर हुई थी। जब भगवान राम ने माता सीता को स्पर्श करने की कोशिश की तो वे धरती में समा गई। ये स्थान आज भी यहाँ पर मौजूद है और सुबह शाम इस स्थल की पूजा की जाती है। ये भी कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने यहाँ पर एक शिवलिंग स्थापित किया था जिसे ब्रह्मेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको गंगा नदी के किनारे पर ब्रह्मकुटी दिखेगी। यही वो स्थान है जो संपूर्ण विश्व का केंद्र बिंदु है। वही दूसरी ओर मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने बिट्ठूर में इसी स्थान पर बैठकर सृष्टि की रचना की थी। उन्होंने इसी स्थान पर 99 यज्ञ किए थे। यज्ञ खत्म होने के बाद ब्रह्मा जी जाने को हुए तो उनके दाहिने पैर की खराऊ धरती में धंस गई। खराऊ पाताल में चला गया लेकिन अंगूठे और उंगली के बीच कील धरती के ऊपर ही रह गई। जाते वक्त ब्रह्मा जी ने कहा था कि भविष्य में ये खूंटी बहुत ही विख्यात हो जाएगी। दोस्तों ऐसे अनगिनत रहस्य आज भी बिट्ठूर की धरती पर मौजूद है जिसे आज भी खोजा जाना बाकी है। अगर आप एक ऐसे जगह पर जाना चाहते हैं जो प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ हमारे पौराणिक ग्रंथों के सबूत को समेटे हुए हैं तो बिट्ठूर आपके लिए एक सही चुनाव होगा। यहाँ तक आने का पूरा पता हमने आप सभी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूं आप सभी के साथ एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।